हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज लेसन फर्स्ट अगल विद अ बास्केट स्टार्ट किया था और हमने जाना था विलियम सी डगलस कौन थे, भारत कब आए, और उसके बाद हमने देखा था कि वे जब अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना करते हैं, वो बरेली बाई ट्रेन देन रानीखेत पहुंचे। वो एक ऐसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो हर स्टेशन पर रुकने वाली थी तथा जैसे ट्रेन रुकती तो वो नीचे उतर कर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगते और ऐसे व्यक्ति को तलाशते जो उसकी भाषा समझ सके और उसकी बातों का जवाब दे सके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये बातचीत करने का कार्यक्रम की कंटिन्यूटी, बातचीत करने की कंटिन्यूटी एक स्टेशन पर उनकी बाधित होती है और जैसे ही वे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं एक छोटे बच्चों का समूह उन्हें घेर लेता है। राइटर ने बताया था ये बच्चे छोटे बच्चे कोई और नहीं बल्कि ये शरणार्थी बच्चे थे, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे जो इंडिया और भारत, जो इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक पागलपन या धार्मिक उन्मत्तता के डर से जिनके माँ बाप इंडिया आए थे और इनकी संख्या लगभग 90 लाख रही। ये बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे, हैंड फैन बेच रहे थे जिन पर सिंपल सा डिजाइन व पैटर्न बना हुआ था। बेशक राइटर ने बताया कि बच्चों के लिए मैं बहुत ही आकर्षक ग्राहक था जिसके कारण ये मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। और अब आगे आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर फिवानास, फ्यू फ्रूट बास्केट, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, आ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर आर रुपी। राइटर ने बताया कि उन्होंने एक छोटी सी बास्केट यानी कि टोकरी को कुछ आनों में खरीदा और उसके बाद दूसरी फल रखने की टोकरी जो कि वेस्ट पेपर से बनी हुई थी उसको 1 रुपये में खरीदा और एक बहुत ही सुंदर सी सिलाई सिलने का सामान रखने वाली बास्केट 1 रुपये में खरीदा। अ फ्यू फैन फॉर एन आना और टू अ पीस, और कुछ आनों में, एक या दो आने में कुछ हैंड फैन भी खरीदा। इस तरीके से उन्होंने बताया, माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट। उन्होंने बताया मेरा दोनों हाथ भर गया और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने सामान अपने सौदों का आवाज देते हुए गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, और लाइटर कहता है कि उसके हालात एक कैदी की तरह हो गई थी, अनेबल टू मूव, जो हिल डुल भी नहीं सकते थे। बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था जिसके कारण वो हिल डुल नहीं सकते थे और स्वयं की तुलना एक कैदी से किया। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी।
राइटर ने बताया एक बहुत ही परिश्रमी, इंटेलिजेंट, लेबोरियस एंड एग्रेसिव बिहेविंग इन आर्बिट्रल माइंड एंड फोर्सफुल वे, यानी कि आक्रामक तरीके से जोर देकर अपने सामान बेचने वाली विक्रेता थी ये लड़की। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वो सुंदर सी लड़की 9 वर्ष की एज वाली थी जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, इसके पास हैंडल लगा हुआ एक प्यारा सा बास्केट था। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, और वह इसके लिए 1.5 रुपए चाहती थी, यानी कि वो उसे 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी। 1.5 रुपए कहें या 30 सेंट्स कहें, लगभग सेम है, वो 30 सेंट्स या 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जोर देकर रिक्वेस्ट करने वाली लड़की थी अपने सामान के प्रति। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वह ऐसी आवाज में लोगों से बास्केट खरीदने का रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी दिल पिघल जाता, मतलब कोई भी व्यक्ति ले ही लेता, किसी को भी उस पर दया आ जाती। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। राइटर ने बताया कि उसके दोनों हाथ भरे हुए थे। ही हैड नो रूम, उसके पास कोई जगह नहीं थी। लेट नो वन एनी नीड, और ना ही उसे किसी दूसरे बास्केट की जरूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट हैंड आर्म, राइटर ने बताया मैंने अपने दोनों हाथ के बास्केट्स और हैंड फैंस को एक हाथ में बैलेंस किया। एंड आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंड फ्री चेंज, और दूसरे हाथ को मैंने राइट कोट पॉकेट की ओर ले गया और पॉकेट से एक मुट्ठी भर चेंज निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट्स रहे होंगे। विच डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और जिन 15 सेंट्स को उस बास्केट पर हमने डिपॉजिट कर दिया, रख दिया, डाल दिया, उस बास्केट पर डाल दिया जिस बास्केट को वो लड़की बहुत ही विनम्रतापूर्ण तरीके से मेरे सामने लिए खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, और मैंने उसे ये बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि देखिए मैं ये बास्केट नहीं खरीद सकता। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, बट एक्सटेंडेड द गेट द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन वो ये दान दे रहा है एक विकल्प के रूप में। देखिए मैं ले नहीं सकता, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जगह भी नहीं, और मैं ये आपको दान के रूप में दे रहा हूं। I realized at once what offense I had given. और जैसे ही राइटर बताते हैं कि टोकरी में उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया रखा, उन्हें लगा कि उनसे कोई अपराध हो गया क्या, ऑफेंस, क्राइम। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. वो 9 साल की बच्ची, dressed in rags, जो फटे हुए कपड़े पहने थी, and on the edge of starvation, जो भूख के कगार पर थी, was facing the problem of starvation, जो भूख की समस्या का सामना कर रही थी। रेस्ट हिज चेन, उसने अपनी ठुड्डी उठाई, उसने अपना चेहरा उठाया, रीच इन टू द बास्केट, और अपने हाथ को बास्केट पर ले गई, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस,
और पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी शालीनता के साथ, अ लेडी हैंडेड द मनी बैग, मतलब एक अ लेडी उच्च कुल में जन्मी महिला की तरह, उसने एक उच्च कुल में जन्मी महिला के स्वाभिमान की तरह, शालीनता की तरह, उसने पैसा मेरा वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तब तो एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। देन आई गॉट द बास्केट कि मैं उसका बास्केट खरीद लू। शिवाइट हराइज स्माइल एंड डस्ट, और जब राइटर ने बताया मैंने उसका बास्केट खरीद लिया, तो उसने अपने आंसू पोछे, मुस्कुराई एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म से रेनवे भाग गई, दौड़ गई, हेडेड फ्रॉम सम ग्रास हट, उस ओर भागी जिधर घास फूस की झोपड़ियां बनी थी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस रात उसके पास कम से कम एटलीस्ट 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइटर कहते हैं मैंने ये कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जेएन नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और उन्होंने बताया कि ये एक कारण है जिसके कारण मुझे भारत से प्रेम हो गया, भारत के लोगों से स्नेह हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग कितने भी बुरे हालत में हों, इनमें स्वाभिमान रहता है। द पीपल सॉ इन इंडिया दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। राइटर बता रहे हैं द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैं भारत में देखा, जिनसे मैं भारत में मिला, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो रूरल रहे हों चाहे वो अर्बन रहे हों, इसका मतलब है चाहे वो ग्रामीण लोग रहे हों या शहरी लोग रहे हों, ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित लोग रहे हों, ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित लोग रहे हों, जिनसे भी मैं भारत में मिला, है बोथ प्राइड एंड डेवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उन सब में स्वाभिमान और लिबली सेंस ऑफ डिसेंसी था। इसका मतलब हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हम दूसरों से कैसे पेश आए, दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करें, ये सभी जानते थे। वो चाहे गांव के इलिटरेट पर्सन रहे हों या शहर के डिसेंट पर्सन रहे, दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन सब में स्वतंत्रता के प्रति अति चाहत थी। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। ये सुंदर सी लड़की बॉर्न इन स्क्वेलर, जो अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर पर पैदा हुई, अनहाइजीनिक या स्क्वेलर मीन्स गंदे वातावरण में पैदा हुई, एंड पावर्टी गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और वो ऐसे परिवार में पैदा हुई जो दोनों तरीकों से अशिक्षित था, वो पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे इसके परिवार वाले, और ना ही दूसरों से कैसे बिहेव करें, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, ये भी वो नहीं जानते थे। वो लड़की ऐसे निर्धन और अशिक्षित परिवार में पैदा हुई, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत के ज्वलंत आत्मा का एक झलक दिखाया। कि लड़की भूख के कगार पर थी, उसके कपड़े फटे थे, फिर भी उसने एज अ डोनेशन, एज अ ग्रेच्युटी, दान स्वरूप उसने मेरा पैसा स्वीकार नहीं किया। शी बिलीव्ड इन द मनी ऑफ हिज वर्क, वह अपने काम के पैसे पर बिलीव करती थी, और उसने मेरा पैसा एक संभ्रांत परिवार के पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला की तरह उसने मेरा पैसा वापस कर दिया, और तब
मैं उसकी टोकरी देने के लिए विवश हुआ। इस लड़की जो इतने अनहाइजीनिक वातावरण पर पैदा हुई, जो ऐसे गरीब परिवार पर पैदा हुई जिसके परिवार वाले न तो दूसरों से व्यवहार करने का तौर तरीका जानते थे और ना ही पढ़ने का, उसके अंदर ये अगर सामान्य सा स्वाभिमान है, उसने मुझे ज्वलंत भारत की तस्वीर पेश किया, इसके कारण मैंने नहीं रुक पाया। यही कारण है कि मैं यहाँ के लोगों से, मुझे स्नेह है, आई रिस्पेक्ट इंडियन पीपल, स्टूडेंट्स ये चैप्टर समाप्त होता है। जैसे कि पिछले क्लासेज में आपको एक्सप्लेनेशन करना बताया गया था, तो अपेक्षा है आपको इस चैप्टर से कम दो एक्सप्लेनेशन करने हैं। एक एक्सप्लेनेशन है ये लास्ट चैप्टर से, ये चैप्टर का लास्ट संज्ञा, द पीपल आई सॉ इन इंडिया दोज इन विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस से लेकर आ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसका एक्सप्लेनेशन करिए। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसी बेस पर आप ये करने का प्रयास कीजिए। और स्टूडेंट्स आपको ये कॉम्प्रिहेंशन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेजेस, ये करने हैं कम से कम दो। आप करेंगे फर्स्ट ये द प्लेटफॉर्म्स डॉट डॉट रिपोर्ट्स तक, ये पैसेज आप तलाशिए बुक में ये कहाँ है, और ये क्वेश्चंस के आंसर्स वहीं पैसे से दीजिए। इन व्हाट वे वर पीपल ड्रेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, सोई जी जैसे स्टार्टिंग ये चैप्टर के सेकंड पैसेज पर, सेकंड पैसेज है ये, इन व्हाट वे वर पीपल ड्रेस्ड इन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे, तो आप बताएंगे द पीपल ड्रेस्ड White loose garments as here is given that almost every platform people barefooted and loosed barefooted and dressed in loose white garments, ये इसका आंसर है। How could writer the find a person who spoke English? Writer कैसे पाते थे एक ऐसे आदमी को, कैसे ढूंढते थे जो अंग्रेजी बोल सके, तो आपने देखा था at least he would have to talk with three people, then he hardly found a person who can speak English or understand English. उसे कम से कम तीन लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी, उसके बाद वो उसे एक ऐसा आदमी मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था और समझ सकता था। व्हाट डिड ही टॉक टू द पीपल अबाउट, उसके बाद ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के बाद वो किस पर बातचीत करते थे, तो आपने देखा था इसी पैसेज में है कि दे बिगेन टू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड करेंट टॉपिक्स ऑफ द डे। ये आप देख रहे हैं, वी की जगह देख रहे हैं, दे वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से कम दो आपको ये करना था। What was author's purpose in talking to people? लोगों से
बातचीत करने का राइटर का उद्देश्य क्या था, तो आपने जाना है इस पैसेज के अंतिम लाइन में लिखा है द पर्पज द ऑथर्स पर्पज इन टॉकिंग टू पीपल टू नो द फीलिंग्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इट मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू नो द आइडियाज द थिंकिंग ऑफ इंडियन पीपल। उसके बाद आपको ये सेकंड वाला करना है दीज वर रिफ्यूजीज डॉट डॉट दे फेल, विच रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर बींग रेफर्ड टू इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस पर किस रिफ्यूजी चिल्ड्रन का उल्लेख किया गया है, ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन था कि इस पैसेज की फर्स्ट लाइन पे किन रिफ्यूजी चिल्ड्रन की बात की गई है, आप बता सकते हैं कि दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर दोज हु केम फ्रॉम पाकिस्तान एट द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आप बता सकते हैं कि ये वो शरणार्थी बच्चे थे जिनके माँ बाप भारत और इंडिया के बंटवारे के समय रिलीजियस फैनाटिसिज्म धार्मिक पागलपन के डर के कारण पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। उसके बाद आप देख रहे हैं व्हाई डिड सो मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, दिया है बाय द फियर, आप कर सकते हैं मेनी पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान by the fear of religious fanaticism, by the fear of religious madness, what could they carry with them, वे लोग अपने साथ क्या ला सके थे, तो आप बताएंगे they could carry with them only a little edibles and few belongings with them। ये यहां पर दिया हुआ है they could carry all a bit of food and few belongings। फिर आप देख रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है could all of them reach India well, if not why, क्या उन सब में सभी भारत पहुंच चुके थे, पहुंच गए थे, और अगर नहीं तो क्यों, तो आप बताएंगे no, most of them could not reach India because when they started their journey very soon they were out of food and they faced the problem of hunger and they became weak and by the weakness of hunger they fell on the roadside ये आप यहां पर से लिख सकते हैं अगर आप नहीं ना बना पाए a few days after they started they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। इस तरीके से आपको कम से कम दो या तीन कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, दो हमने ऑलरेडी बता दिया, संभव हो तो कोई एक और कर लीजिएगा, ये एवरीवेयर डॉट डॉट जय वॉल से या आई टोल्ड दिस स्टोरी सोला फिन, इन दोनों में इसको एक करना है तो क्या आंसर संभव को बता चुके हैं। और आप उसके बाद देख रहे हैं ये शॉर्ट टाइप आंसर्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सिक्स हैं, इन पूरे सिक्स को करना है। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद
द सीटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन बिलो द सेंटेंस। अगर आप दिए गए वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, सुनकर समझेंगे, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते ही आपको ऑलरेडी आ ही जाएगा। जैसे शी प्लीडेड एंड बेग इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट, दिस वन इज करेक्ट, कि वो ऐसी आवाज में लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि किसी का भी दिल पिघल जाता, किसी को भी दया आ जाती। सून देवर आउट ऑफ फूड, वो बहुत ही जल्दी भूख को मरने लगे, भूख भोजन उनका समाप्त हो गया। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, पैशन आप फिट करेंगे। देवर रिफ्यूजी चिल्ड्रन आप करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स में आपको सेम वर्ड फिट करना पड़ता है जो लाइनिंग, जो पैसेज की लाइनों में दिया हुआ है। ठीक है, अपेक्षा है आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़कर समझेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे ही। हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया दो कॉम्प्रिहेंशन इन द ब्लैंक्स, और कम से कम एक दो एक्सप्लेनेशन करते रहिए, क्योंकि पूरे 16 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं, आप जानते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस से ही कंप्लीट होता है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। पिछले वर्ष के बेस पर ही आप एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेनेशन करते समय आप जानते हैं जो कुछ पैसेज में लिखा है वही आपको लिखना पड़ता है इन योर ओन वर्ड, आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। इट्स ओके, थैंक यू।